एक लड़की बोल रही है तुम्हें चले क्या, तो क्यों बोल रही होगी, अंदाजा लगा सकते हो। तो क्या मतलब आपका, किस लिए रोक रहे हो सबको, समझ नहीं आ रहा मतलब। चलो बैठो फिर। ओहो, एक पहले से बिठा के रखी है। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूँ आपके अपने सिमरन। और दोस्तों, मेरा कोई ये मोटिव नहीं था आज प्रैंक शूट करने का, और ये प्रैंक शूट है भी नहीं, ये प्रैंक है भी नहीं। मतलब आपने ट्रेलर छोटा सा देखा ही होगा, हमारे साथ एक हादसा हुआ है कल रात को। मतलब हम वाइन के शूट से आ रहे थे 1-2 बजे, तो हमें एक लड़की वहाँ पर मिल गई। उस टाइम मेरे पास कैमरा वैमरा कुछ भी नहीं था, तो मैंने फ़ोन से शूट किया ये वीडियो। और ये हादसा जो हमारे साथ हुआ, ये आपको, आपके साथ भी कल को हो सकता है। तो वीडियो में क्या हुआ ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम वाइन शूट करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि हम मनाली गए थे, मनाली में हम वाइन शूट करके आए हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आने जाने का खर्चा, कुछ भी हो एक्सपेंस, और ये सारा एक्सपेंस मैं अपनी सेविंग से बिल्कुल खर्च नहीं करती हूँ। बिनों पर ट्रेडिंग करके अपने पैसे अर्न करती हूँ, वहीं से सारा खर्चा अपना कंप्लीट करती हूँ। तो आप भी इसमें अपने खर्चे निकाल सकते हो, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे इसमें ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले आपको बिनोम को डाउनलोड करना है, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये ओपन हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे रियल अकाउंट में 28,893 रुपये और डेमो अकाउंट में 56,722 रुपये। मैं आपको रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से एसेट चूज़ करना है, कोई भी आप एसेट चूज़ कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। अब आपको ग्राफ को एनालाइज़ करना है, ये ऊपर जाएगा या नीचे, तो मुझे लग रहा है शायद ये अप की तरफ जाएगा। तो मैं इसमें 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने आपका बटन दबा दिया है। हमारे अकाउंट से भी पैसे माइनस हो चुके हैं, अब करते हैं रिजल्ट का वेट। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने इतनी सी देर में अर्न कर लिए 12,810 रुपये, हमारे रियल अकाउंट पैसे बढ़ चुके हैं। और दोस्तों, इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा है, 24/7 आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनके सपोर्ट पे जाकर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, इनमें ग्राफ के भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे माउंटेन, तो ये है, ये लाइनिंग है, और एक ये आपके कैंडल्स हैं, इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो आपकी मर्जी, और ये बार्स, तो आप जिसमें चाहे ट्रेडिंग करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे घर बैठे बैठे बहुत सारा पैसा अर्न करना चाहते हो, जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके बिनोमो को डाउनलोड करो, घर बैठे बैठे ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमाओ। तो जल्दी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो एंड तक देखना, मैं आपसे मिलूंगी वीडियो के एंड में। सो गाइस, अभी हम वाइन के शूट से घर जा रहे हैं अपने, तो मैंने एक लड़की को नोटिस किया है यहाँ पे, काफ़ी लड़कों को बीच बीच में रोक रही है, लिफ्ट मांग रही है, पता नहीं क्या सीन है। तो मैं आपको ना बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ कि लड़की क्या कर रही है। एक लड़की बोल रही है तुम्हें चले क्या, तो क्यों बोल रही होगी, अंदाजा लगा सकते हो। तो क्या मतलब आपका, किस लिए रोक रहे हो सबको, समझ नहीं आ रहा मतलब। चलो बैठो फिर। ओहो, एक पहले से बिठा के रखी है। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है? बहन है हमारी, ठीक है, भाई है मेरे। नहीं बताता कि आप बहन हो। और सबको क्यों रोक रही है यहाँ पर? मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ, आप काफी लड़कों को रोक रहे हो। ऐसे कुछ नहीं, बस नहीं रोकती। कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रुक जाइए। तो अभी आप बात कैसे कर रहे थे, क्या कहाँ जाने की बात कर रहे थे? ऐसे ही बस। बताओ बताओ क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप रुक जाइए। तो आप सबको क्यों रोक रहे थे? बस यूं ही, आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बताओ ना मेरे को, बताओ। ओए योहान, ओए योहान, ये कैमरा तू पकड़ ले ना, बाहर जा, मत मत। अच्छे से बात करिए सर, क्या है इसमें? ठीक है। वैसे रुकना एक मिनट, मैं वैसे काफ़ी देर से तुम्हें देख रही हूँ यहाँ पे, काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रही हूँ। मैं यहाँ पे थीम लब हमारे यहाँ पे शूट था, तो मैं आई थी, तो काफ़ी लड़कों को तुम रोक रही थी, और काफ़ी देर से तुम्हें लिफ्ट नहीं मिल रही, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसको रोका, अभी ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ, कि कहाँ चलने को बोल रही हो, मतलब कुछ नहीं यार, बस यूँ ही रोका। लड़कों को फंसाती हो क्या? नहीं नहीं, मेरे को तो ये लग रहा है कि तुम बात कर रही थी। कोई यार, कोई काम नहीं करती मैं, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी बातों से पता लग रहा था कि तुम लड़के। क्या पता लग रहा है? मैंने कुछ बोला क्या? मैंने भी क्या बोला, कहाँ चलना है, तुम्हें पता नहीं हुआ कहाँ चलना है, क्या बोल रहे हो? यार मैंने कुछ नहीं बोला, आप बेवजह ही बहुत देर से मैं नोटिस कर रही हूँ।
मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगी कहीं। अब मुझे सीधी तरह से बता दो तुम कर क्या रही हो तब से, यार काफी देर से नोटिस कर रही हो यार, आप क्या कह रही हो? तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ऐसे क्यों बोला अभी आपकी, कहाँ जाना है? और मेरे भाई थे वो, तो तुम ऐसे बोल रहे हो एक और लड़की ले रखी है, तुम्हारी लैंग्वेज से तो नहीं लग रहा तुम कुछ सही काम कर रही हो। प्लीज आप जाइए, प्लीज जाइए। तो तुम यहाँ कर क्या रही हो इतनी रात को, कोई अकेली लड़की यहाँ पे रोड पे क्या करेगी? और काफी देर से मैं नोटिस कर रही हूँ तुम्हें, तो कुछ प्रॉब्लम है तो तुम बता दो, अगर नहीं बताओगे तो ये वीडियो है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आप लोग प्लीज जाइए यार, प्लीज प्लीज जाइए यार। लड़कियां वैसे भी सेफ नहीं है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, तो कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, या तो फिर तुम ये काम करती हो यार। आप लोग कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। अरे तुम रो क्यों रही हो? हेलो उठो पहले सुनो, प्लीज आप लोग जाइए यार, प्लीज 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 जाओ यार। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो यार, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना, अकेली हो तुम यहाँ पे, कोई दिख रहा है यहाँ दूर दूर तक? मैं प्रॉब्लम में ही हूँ, इसीलिए यहाँ हूँ इतनी रात में, मैं पागल थोड़ी हूँ। इतनी ठंड में ऐसे कपड़े पहन के तुम यहाँ पे घूम रही हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओगे कुछ? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, मैं पीजी में रहती थी, रेंट नहीं दे पाई तो मुझे बाहर निकाल दिया पीजी वालों ने। तो तुम क्या कर रही हो यहाँ रोड पे, मतलब कब से? दो दिन हो मुझे रोड पे घूमते घूमते, पागल हो चुकी यार। ऐसे ही मैंने गाड़ी रोकी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये बैग लेके घूम रही हूँ मैं। तो तुम कर क्या रही थी, मैं दो दिन से इधर को क्यों रोक रही हूँ गाड़ी को, लड़के को क्यों रोक रही हूँ? कुछ नहीं था मेरे पास खाने के लिए ना रहने के लिए कोई ठिकाना, रोक कर लड़कों को कुछ गलत काम किया और एक दिन अपना पेट भरा, मैंने सोचा आज भी यही कर लेती हूँ। तुम यहाँ पे लड़कों से रोक रही हो तुम गलत काम करने के लिए? क्या करूँ यार मैं, और क्या करूँ बताइए, क्या करूँ मैं, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो इससे क्या हो जाएगा, कब तक तुम ऐसे करोगी डेली? कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ना कोई जॉब है, ना रहने का ठिकाना है, ना खाने को कुछ है यार, मैं क्या कर सकती हूँ? यही काम है और कोई काम नहीं कर सकती? कौन दे रहा है आज की डेट में काम? आपको लगता है कि कोई इजीली काम दे देता है? सबको सिर्फ अपना मतलब चाहिए होता है। चलो तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो तुम इतनी रात को, देखो लड़कियाँ यहाँ पर सेफ नहीं है वैसे भी, माहौल ऐसा है, तुम ऐसा करो मेरा यहीं पर देखो, मैं यहीं पर रहती हूँ ठीक है पास में, तो तुम मेरे साथ चल लो। आप मेरे को क्यों हेल्प करोगे यार? तो तुम एक लड़की के नाते हेल्प कर सकते हो ना? मैं नहीं जाऊंगी। तो कुछ गलत मत समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। आप इतना ही कर दीजिए बस मेरे लिए, मैं पहले यहाँ से थोड़ा जा पाऊँ, मैं इतनी रात में अटकी हुई हूँ ना, कुछ खाने को है, मैंने कुछ नहीं खाया दो दिन से यार। मेरे बस मैं तुम्हें पैसों की भी हेल्प कर दूंगी और कुछ खिला भी दूंगी, तुम मेरे साथ चलो, मैं पास में ही रहती हूँ। मैं ऐसे कैसे आपके साथ? अब तुम अकेली यहाँ पे रहोगे तो सेफ तो है नहीं ना, बिल्कुल सेफ तो वैसे भी नहीं यार। मैंने एक बार डरो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसों की जरूरत है मैं हेल्प कर दूंगी। तुम्हें कहीं रहना है तो मैं पीजी पर, मैं तुम्हें रेंट दिलवा दूंगी रेंट पे, कहीं पे भी जॉब जॉब के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी। बात साथ चल रही है थोड़ी देर, क्यों करोगे मेरे लिए सब? तुम अकेली लड़की हो, इतना परेशान हो, अगर तुम कुछ गलत काम कर रही हो तो मजबूरी में कर रही हो ना, जानबूझ के तो कुछ नहीं कर रही ऐसे भी, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ हेल्प कर दूंगी मैं तुम्हारी इतनी। चल लो साथ में, डरो मत, चल लो पास में ही रहती हूँ मैं ठीक है। चलो आ जाओ साथ में, आ जाओ ये गाड़ी, चलो साथ में आ जाओ, डरो मत ठीक है, आ जाओ बैठो बैठो अंदर बैठो। आ जाओ आ जाओ, कर लो रिकॉर्डिंग आराम से आओ। डरो मत, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ चलते हैं। आप लोग ये वीडियो सिर्फ एक सेफ्टी पर्पस के लिए है, तुम्हारे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे जानने वाले थे कि वो तो वो ये सोचेगा ना मैं गलत काम करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारा फेस ब्लर कर दूंगी अगर तुम चाहोगी तो, एक मैसेज मिलेगा, मैं मेरा चैनल है यूट्यूब पे। डरो मत, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, चलो साथ में आ जाओ। गाइज़ मैं इनको अपने घर ले आई हूँ यहाँ पे फ्लैट पे, वहाँ पे ये सेफ नहीं थी बिल्कुल भी, इतनी रात को अकेली लड़की है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी लड़की आपको सुनसान जगह मिलती है, लिफ्ट मांगती है, कुछ भी है, तो वो लड़की ज़रूरी नहीं कि वो गलत ही हो,
वो एक हेल्पलेस भी हो सकती है, उसकी मजबूरी हो सकती है, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, उसको खाने से पीने से या पैसों से हेल्प करके उसकी हेल्प करो, कुछ गलत मत करो, मैं यही बोलूँगी, यही मैसेज देना चाहती हूँ। तो मैं अपने घर लेके आई हूँ उसको, घर पे सब है, मेरे मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। ये वीडियो एक सोशल मैसेज के लिए मैं अपने चैनल पर डालूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आगे भी लोग हेल्प कर सके, मैं इसलिए डालूंगी वीडियो, बाकी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सब सेफ हो यहाँ पे, बिल्कुल मेरे घर पे बिल्कुल सेफ है, मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मैं ले जा रही हूँ उनको, खाना वाना मैं दिलवा दूँगी, रेंट पे मैं तुम्हें पीजी करवा दूँगी, अरेंज हो सके तो जॉब भी करवा दूँगी, तो तुम टेंशन मत लो।